दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अपने पैसे कमा के अपनी फैमिली और अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरत को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम एक जॉब करके अपनी इच्छाओं को, अपनी फैमिली की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भारतीय डिजिटल यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं कि फुल इन्वेस्टमेंट की वीडियोस लेकर आने वाले हैं हम। सो आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट किसके लिए सही रहती है और किसके लिए नहीं सही रहती है। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी को अच्छे से गाइड करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की ज़माने में अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि इन्वेस्ट करके आप उस मनी को अर्न कर सकते हैं जिसको आप अपना गोल माने हैं। तो दोस्तों, अपना थोड़ा सा कीमती समय आप इस वीडियो में इन्वेस्ट कर दीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट की फुल जानकारी ले लीजिए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में। जानने से पहले आप सभी को एक बात को हमेशा याद रखना है, इन्वेस्टमेंट के टाइम आप किस किस किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए आपको। तो चलिए फिर हम बताते हैं आपको। और आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो उतनी जल्दी ही कर सकते हो, क्योंकि जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट है आपको, क्योंकि ऐसा ही करके आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल पाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। शॉर्ट टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देने वाली फ्रॉड कंपनियों से बच कर रहें। अपना फ्रॉड वाली कंपनी पे हाईएस्ट रिटर्न के चक्कर में ना पड़े और टाइम टाइम पर अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करते रहें। और हाँ, सिंपल इन्वेस्टमेंट से आप शुरू करिए ताकि आप अच्छे से सीख सकें। और अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं तो आप क्विटिटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। SIP, म्यूचुअल फंड, हाईएस्ट रिटर्न। आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सभी को किसी भी एक सॉफ्टवेयर में अपना वो डीमैट अकाउंट को ओपन करना है और आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी है। उसमें आप SIP कर सकते हैं, वन टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने हिसाब से सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप वन टाइम या अपने हिसाब से सेटलमेंट कर सकते हैं। आप उसमें जाके अपना SIP और ये कैलकुलेट करके अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी को कंपनी के बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए कि कब हाईएस्ट पर जाती है, कब कितना रिटर्न देती है। सो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और पैन कार्ड फुल KYC कीजिए। वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है उस वीडियो को मैं डिटेल से बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बनाकर मैं लिंक डाल दूँगा। आप डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं उसमें फुल वीडियो में मैं आप सभी को अच्छे से गाइड कर दूँगा।